और ये बाहर के सड़क के नज़ारे, धूप बिल्कुल भी नहीं, रात में बारिश हुई थी और ये है कुछ ग्रीनरी, पेड़ पत्ते गीले गीले बारिश की वजह से। कुछ क्विक फूड लेने वाला लंच में, क्विक फूड चीन में जैसे तान छाफान बोलते हैं वो होता है एक फ्राइड राइस। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अभिनंदन दोस्तों वापस से मेरे एक नए ब्लॉग में। और आज है संडे 9 जून और आज का जो ब्लॉग है, इस ब्लॉग में मैं आपको चीन में होने वाले ड्रैगन बोट फेस्टिवल के नज़ारे दिखाऊंगा। और मैं अभी पहले लंच करने वाला हूँ बाहर फास्ट फूड, और उसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ सी साइड, तो बने रहिए। और चूँकि रात में बारिश हुई है तो मौसम थोड़ा सा बेहतर। और ये देखिए बाहर का कुछ नज़ारा, टेम्परेचर 24 डिग्री सेंटीग्रेड, अभी तापमान है 22 डिग्री सेंटीग्रेड, और मैं हूँ चीन के हॉन्जो सिटी के पिंचांग डिस्ट्रिक्ट में। बारिश के बाद मौसम थोड़ा सा सुहाना, और रात में भी बारिश हुई थी और दो दिन पहले भी, तो बहुत खुशनुमा मौसम। और उम्मीद करता हूँ एक्टिविटीज़ के दौरान बारिश ना हो और हम एक्टिविटीज़ को बहुत अच्छे से इन्जॉय कर पाएँ। तो दोस्तों बने रहिए और इन्जॉय करिए और मेरे साथ चलिए और एक्टिविटीज़ का आनंद, भरपूर आनंद उठाइए। और सबसे पहले मैं आपको फ़ास्ट फूड के कुछ नज़ारे दिखाता हूँ, यहाँ पे किस तरीके के फ़ास्ट फूड आप अगर जल्दी में हैं तो क्या खा सकते हैं, और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपके लिए क्या ऑप्शन है। सो सी यू सून। ₹1.5 RMB और ये ओपन हो गया। चलिए लेट्स गो। ओह शिट, थोड़ी सी धूप निकल आई, बट एनीवे। तो दोस्तों ये एक छोटा सा स्ट्रीट, और यहाँ पे आपको अगर आप जल्दी में हैं और बाहर खा के जल्दी से निकलना चाहते हैं कहीं पे, तो ये कुछ ऐसे स्ट्रीट आपको चीन के छोटे बड़े सिटीज़ में ऐसा देखने को मिल जाएगा। ये देखें, नूडल्स और क्विक फूड विथ सूप एंड राइस, और आगे कुछ रेस्टोरेंट हैं जहाँ पे आप चाइनीज़ स्टाइल के रोटी भी देख सकते हैं। और क्विक फूड में डम्पलिंग्स वगैरह भी आप ले सकते हैं, ये जैसे एक रेस्टोरेंट है, यहाँ नूडल्स फ्राइड वगैरह सारे मिल जाएंगे आपको। और ये टी है, और मैं जाऊँगा यहाँ पे थोड़ी सी भी संडे को भी। तो ये एक छोटा सा रेस्टोरेंट जहाँ पे आप क्विक फूड, ये देखें कुछ फ़ोटोज़ भी हैं और चाइनीज़ में डिशेस भी हैं। निहाओ, चिदान छाफान रहो चा ईची थांग, हाँ तो आइए बैठते हैं। और अपने गपशप को आगे बढ़ाते हैं। मैं आपको अभी टेम्परेचर दिखाता हूँ, टेम्परेचर एग्जैक्टली अभी हो रहा है 24 डिग्री सेंटीग्रेड, और बारिश जैसा मौसम,
तो मौसम बहुत बढ़िया है और ऐसे मौसम में मुझे लगता है कि जो एक्टिविटीज़ होंगी उसको बहुत अच्छे से अपन इंजॉय कर सकते हैं और बाकी जो लोकल लोग होते हैं उनके साथ में अपन काफ़ी इंटरेक्ट भी कर सकते हैं और भीड़ काफ़ी होती है और ऐसे एक्टिविटीज़ में ये चीन में बहुत कम होते हैं, ओकेजनली होते हैं, जैसे स्प्रिंग फेस्टिवल हो गया या ये हो गया तो इसको चाइनीज़ में पंगूचे बोलते हैं। तो ये ज़बरदस्त फेस्टिवल होता है और एक्टिविटीज़ में क्या एनर्जी लेवल होता है, जब मैं आपको लेके चलूँगा वहाँ पे दिखाऊँगा तो आप खुद उसको रियलाइज़ करेंगे और मुझे लगता है कि आप उसको बहुत ज़्यादा इन्जॉय करेंगे। तो मेरे ख्याल से आप बने रहें और बहुत जल्द मैं अपना लंच यहाँ से कंप्लीट करके आपको लेके चलता हूँ और आपको दिखाऊंगा वहाँ के नज़ारे। तब तक आप बने रहिए टिल दैट टाइम और मैं अपने खाने का वेट कर रहा हूँ, खाना दो तो वो भी दिखाता हूँ। टिल दैट टाइम साइन आउट। तो दोस्तों ये आ गया मेरा खाना, ये है सूप और ये है फ्राइड एग राइस। तो मैं अब लंच फिनिश करता हूँ, आपको फिर आगे लेके चलता हूँ, तो बने रहिए प्लीज़। और ये रेड लाइट जेब्रा क्रॉसिंग के कुछ नज़ारे। बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और सफाई के साथ और लोग यहाँ पे नियम का पालन करते हुए। और यहाँ की ग्रीनरी काफ़ी ज़बरदस्त, काबिले तारीफ। चलिए ग्रीन लाइट हो गया, चलिए। तो दोस्तों ग्रीनरी का हमारे लाइफ में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। अगर हम गर्मी की बात करें तो नॉर्मली अगर टेम्परेचर 40 है तो ग्रीनरी की वजह से कभी कभी ये भी होता है कि वो फील्स लाइक 37 या 36 भी होता है। और ऐसा देखा गया है जहाँ पे ग्रीनरी नहीं होती है वहाँ पे अगर टेम्परेचर 36 भी है तो वो फील लाइक 40 होता है। और ये देखें यहाँ पर क्या ज़बरदस्त
ग्रीनरी, आप तो सड़क के किनारे ऑलमोस्ट आगे बस स्टॉप है उसके बगल में ऑलमोस्ट हर जगह पे आपको ग्रीनरी मिल जाएगी। तो दोस्तों इसके बारे में आपका क्या कहना है और हमको भी ग्रीनरी पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, प्लीज़ टाइप करके कमेंट में बताएं।